नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। देश में कोरोना का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिनमें केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल है। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ एक और बैठक करेंगे, जिसमें राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। यही नहीं, कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए अपनाई जाने वाली योजनाओं को लेकर भी विचार विमर्श करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है। इससे पहले भी पीएम मोदी इस मुद्दे को लेकर बैठक कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और कोरोना वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक दूसरी मीटिंग में पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 वैक्सीन को बांटने को लेकर भी चर्चा करेंगे। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से 50,000 के नीचे आ रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों में मामले तेजी से बढ़े हैं। कुछ शहरों में तो रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है। केंद्र की ओर से लगातार ये प्रयास भी हो रहे हैं कि जब भी कोरोना का टीका उपलब्ध होगा, उसके सुचारू वितरण की व्यवस्था हो सके। फिलहाल देश में 5 वैक्सीन तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिनमें से 4 परीक्षण के दूसरे और तीसरे चरण में है, जबकि 1 पहले या दूसरे चरण में है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू 7 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान शादी या किसी भी धार्मिक प्रसंगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। शादी जैसे समारोह को दिन में ही खत्म करना होगा। गुजरात सरकार ने शादी, रिसेप्शन और अन्य समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी है। वहीं अंतिम संस्कार में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।